कौन सी वैन से निकालेगा? हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आज के इस व्लॉग में आपको मैं बताऊंगा कि हम लोग इंटर्नशिप NIT में कैसे करते हैं। तो इसी के साथ वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। ये है पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी, यहाँ पे हमारी इंटर्नशिप हो रही है। ये उसकी इंट्रेंस है। हेलो, क्या हो रहा है? इधर आ रहा हूँ। ये जगह पेशेंट आते होंगे, टेस्ट की स्लिप बनती है। अच्छा। उसके बाद फी जमा कराते हैं। फी जमा कराने के बाद सामने ब्लड सैंपल लिया जाता है। ये एक दो दिन लगते हैं, रिपोर्ट आती है। फिर रिपोर्ट पेशेंट आ गया, ऑर्डर नंबर आ गया, सर्च करते हैं रिपोर्ट से कंफर्म कर लेते हैं। कैसा एक्सपीरियंस अभी तक? अभी तक सही रहा। ठीक है, बोर तो नहीं होते? ये है रेबीज वैक्सीन प्रोडक्शन। यहाँ पे रेबीज वैक्सीन प्रोडक्शन की जाती है। अगर किसी को कुत्ता या कोई इंसान की काटती है, वैक्सीन तैयार की जाती है यहाँ। ये कौन सी जगह है दानिश? एलर्जी वैक्सीन। ये फूड टेक डिपार्टमेंट, ये दिखा, एलर्जी वैक्सीन प्रोडक्शन लैब। इसमें क्या होता होगा? एलर्जी वैक्सीन बनती है यहाँ पर। किस चीज़ की एलर्जी? कोई भी एलर्जी हो। ये है लेबोरेटरी, यहाँ पे ब्लड सैंपल लिया जाता है। मारे कॉल कर रहा है दानिश का पैलेट, फर्स्ट टाइम ब्लड। कौन सी वेन से निकालेगा? फर्स्ट टाइम बंदा ब्लड निकाल रहा है। हमें थोड़ा सीधा कर दिया, इसको नीचे से दानिश थोड़ा सीधा कर, थोड़ा हाँ इसको बस ठीक है। फर्स्ट टाइम ब्लड दानिश निकालते हुए वो भी मेरा। कौन सी वेन से निकालेगा? पहले वो उस वेन पे हाथ लगाना, डायरेक्ट इंजेक्शन हो ना करी। इसको पहले घुमा, इसको घुमा या चुप कर, नीचे उसको किया। अच्छा। तू ही कर राजा। अच्छा चल, अब इसको वो देखा सही है। एक मिनट रुक, वीडियो बाहर निकाल, बाहर निकाल, साफ कर। तू क्यों हिल रहा है? मैं नहीं हिल रहा, तूने गलत लगाई है सुई। ये थोड़ी सी वेन वो है, सीधी नहीं है, थोड़ा ये तूने गलत लगा, तूने गलत लगाया, तूने अंदर इस जगह नहीं लगा। तो अब चेंज कर, जगह चेंज कर, इसी जगह ने इसके थोड़ा सा आगे लगा। इसको साफ कर पहले। अभी ये सही था, इधर इधर आए यार, एक मिनट। ये ब्लड निकल आया, ये बाहर वैसे। इसको खोल, खोल इसको, इसको खोल, ये ब्लड निकल आया, इसको साफ कर। इसका पहले हाथ साइड उसके ऊपर करो, उसके ऊपर करो। ये रिसेप्शन, यहाँ पे टेस्ट रिपोर्ट वगैरह। रिसेप्शन में क्या होता है? रिसेप्शन में एंट्री होती है आपके, स्लिप बन के कौन कौन से टेस्ट आपने करवाने हैं और रिपोर्ट्स भी बनते हैं।
जी हसनैन, आपने वीक वन में क्या सीखा है? वीक वन हमारा काम था, फर्स्ट रिसेप्शन में काम था, जहाँ मैंने रिसेप्शन में काम किया, पेशेंट के रिपोर्ट रीड करके देता था, या फिर पेशेंट आता था एंट्री करते टेस्ट वगैरह करवाने होते थे। तो उसके बाद ये लेबोरेटरी लैब थी जहाँ पर ब्लड सैंपल आपको कलेक्ट किया जाता था। उसके बाद यहाँ पब्लिक हेल्थ लैब डिवीजन है, यहाँ पे लैब बनी हुई है, यहाँ पे आपके लैब में टेस्ट होता है, यूरिन हो गया, ब्लड सी टी, ब्लड ग्रुपिंग, जितने भी टेस्ट हैं, एल एफ टी आर एफ टी टेस्ट होते हैं। हमारा वीक टू में अब लैब में हेमेटोलॉजी लैब वहाँ पे हम काम करेंगे। ठीक है, कैसा एक्सपीरियंस है सर एन एच में तक, क्या काम किया जा रहा है सर लैब में, काम पे काम कर रहे हैं अभी फिलहाल? रिसेप्शन पे। उधर तुम्हारा क्या काम है? उधर क्या क्या सीखा है? अच्छा, मज़ा आ रहा है कि नहीं? कब आएगा मुझे? अभी हमारा जो वीक वन था रिसेप्शन और लेबॉर्टमी, वहाँ ब्लड सैंपल कलेक्ट होते हैं, वहाँ पर अभी हमारा काम। अभी नेक्स्ट वीक टू होगा तो हमारा, तो आज ये हमारा वीक वन एंड हो गया, अभी मंडे से हमारा वीक टू स्टार्ट होगा इंटर्नशिप का हेमेटोलॉजी लैब में। हाँ दानिश, कैसा रहा अभी तक एक्सपीरियंस? मुझे तो कोई खास मज़ा नहीं है। इस वजह से नहीं है क्योंकि हमारा जो है ना ये ब्लड वगैरह हमारा काम ही नहीं, हमारा लैब वगैरह में काम है। अभी जब हमारा वीक टू स्टार्ट होगा तब हमारे असल अभी पता चलेगा। हाँ नुमान, आपको आपने तो रिसेप्शन में भी काम किया और लेबॉर्टरी में काम किया, एक्सपीरियंस बड़ा रफ था क्योंकि हमारी फील्ड रेलिवेंट नहीं है, लेकिन ओवरऑल एक बंदा अगर ग्राउंड लेवल से ऊपर आता है तो उसको ये सारी चीज़ें सीखनी होती हैं, इन सब से गुजरना पड़ता है। अगर किसी ने भी कोई टेस्ट कराना हो, बाकी जो प्राइवेट वगैरह हैं, नूरी हॉस्पिटल वगैरह, वहाँ पे टेस्ट की फ़ीस ज़्यादा होती है। या ना ये गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे जो टेस्ट वगैरह होते हैं वो की फ़ीस कम चार्ज की जाती है, मतलब हाफ। तो NIH में प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन है उसके लिहाज से इधर टेस्ट जो चार्जेस होते हैं वो कम लिए जाते हैं। ऑलमोस्ट 60% का ना आपको डिफरेंस आ जाता है, लाइक बाहर से कोई टेस्ट आप 3500 गए तो वो यहाँ पे 2200 के राउंड अबाउट आपको मिल जाएगा। और यहाँ आपको कंसेशन डिस्काउंटेड प्राइसेस भी हैं, और दूसरा यहाँ स्टैंडर्ड भी अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, लैब्स बहुत अच्छी बनी हुई हैं, तो वी विल प्रेफर कि आप यहाँ से आगे टेस्ट करवाएँ। और यहाँ पे एक दिन बाद आपको टेस्ट रिपोर्ट मिल जाता है। इसी के साथ हम अपने ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर ये आपको ब्लॉग पसंद है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। ये जी नुमान। हाँ नुमान, इधर क्या काम करते हो आप? तेज़ बोल ना। रिपोर्ट टेस्ट होते हैं ना जो, हाँ उसकी रिपोर्ट देनी होती है उसके। तो कुछ इस तरह के लोग आते हैं मतलब इंटर्नशिप करने, लेकिन ये इधर आए हुए हैं। अच्छा नीचे रख के बस